गोसल साहब आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे भैया? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते भैया। ये मसला ना जो है ये अंटारियो गवर्नमेंट का है, ना के टूडो साहब का है ना। वो तो सेंटर में है, उन्होंने ठेका नहीं लिया जहाँ अंटारियो का, ये डक फोर्ड का। ओंटेरियो क्यों नहीं ठेका है उनको, ये क्यों कहेंगे कि वो केंद्र सरकार में? तो क्या ओंटेरियो कनाडा सरकार के अंदर नहीं आता है? जिम्मेदारी है उनकी, हाउसिंग की समस्या की जिम्मेदारी है ना, केंद्र सरकार की भी और प्रोविंशियल भी है। जी जी बोलिए। तो हम ऐसे ही करते हैं, ये मसला ना अपने एमपीपी का है। एमपीपी ने आपको क्या जवाब दिया, आप उस रोज गए थे वहाँ? मैं आपको बहुत अच्छा सवाल किया, मैं आपको जवाब दे देता हूं। मैं एमपीपी के पास में गया, एमपीपी ने भी मामले को टाला, उनके यहां से कोई अभी तक में हमारे पास में रिवर्ट बैक नहीं। मैं पुलिस स्टेशन पर। कौन से एमपीपी किसके पास गए थे? जी मैं ग्रेवाल साहब के पास में गया था, वहां पर, वहां से क्योंकि उनके इलाके में पहुंचता है, और वो वहां पर उनके ऑफिस से मिले, सारी डिटेल बताई, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है कि कोई सामने आना नहीं चाहता। मैं आपको बताऊं, मैं हैरत में था जब मैं पील पुलिस में 21 डिवीजन में लेके गया, प्रवेश जी की मामले जिनकी उनकी पत्नी की आंखों के आंखों को सब लोगों ने देखा है, सुना है, उनकी तकलीफ को महसूस किया, उनके उनको लगातार मतलब ये भी ना कोई उम्मीद है कि उनको रेंट मिल पाएगा, और शायद वो फोर्स्ड होंगे अपने घर को बेचने के लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उससे सभी लोगों की बात कर रहा हूं कि वो जो लोग मजबूर हो रहे हैं, किसी को भी मजबूर नहीं होना चाहिए, ना टेनेंट को ना लैंडलॉर्ड को। और एक हम कनाडा में रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ होना चाहिए। मैं आपको एक मिनट, मैं अपनी पूरी बात कर लूं गुरुजी जी, एक बात पूरी कर लूं। मैं स्वयं पील पुलिस ने वहां पर जो पुलिस अधिकारी जो 9 सितंबर को सारे लोग पहुंचे हुए थे, बारंबार हमने कहा कि भाई आप लोगों ने आश्वासन दिया था कि 2 सप्ताह के भीतर वो जगह खाली हो जाएगी, तो उन्होंने कहा, बोले कि जी हमने बोला तो था, हमने तो सिर्फ इसलिए कहा था कि तब आप लोग चले जाएं। तो कहीं पर जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आदमी क्या करेगा, और लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, और मेंटल हेल्थ से लेकर के तमाम तरह के इशू राइज हो रहे हैं, लोगों के ऊपर आ रहे हैं। मैं लेके चलना चाहूंगा कमलजीत सिंह जी के पास में। गुरजीत जी बात सुन लो, पूरा बात सुन लो। अच्छा चलिए कल कंप्लीट कीजिए, एक सेकंड लूंगा। नहीं जरूर, आप फिर इकट्ठे हो, फिर सामान उठा के बाहर सीट का लॉक लगा लो। अब देखिए बाहर सामान फेंकने वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज गैर कानूनी हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये बिल्कुल गलत है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड 2-2 साल तक का वेट कराए और लोगों का घर चला जाए, ये बात गले से उतरने वाली नहीं है। अब कहीं से भी कोई उम्मीद कोई इंसाफ देने के लिए रेडी नहीं है, तो ये अपने आप में सरकार या सिस्टम जो है वो कह रहा है कि भाई केओस हो, अराजकता फैले, ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है।